हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आप उसे कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो मेनली दो कारण से हमारे चैनल के ऊपर आती है। उसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि हम यूट्यूब से किसी की भी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अपनी वीडियो में यूज़ कर लेते हैं, और जब उसको पता चलता है कि हमने उसकी परमिशन के बिना उसकी वीडियो को अपनी वीडियो में यूज़ कर लिया है तो वो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है। और जो इसका दूसरा कारण होता है वो होता है कि हम YouTube की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते। जो YouTube की गाइडलाइंस हैं हम उनको ब्रेक करते हैं, उनका लंघन करते हैं, उनके विपरीत कार्य करते हैं। मतलब हम वॉयलेंस, हरासमेंट, काफ़ी सारी YouTube की गाइडलाइंस है वो आप पढ़ सकते हैं जाके। उनका अगर आप उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध अगर आप अपनी वीडियो में उनसे रिलेटेड कंटेंट रखेंगे तो YouTube की तरफ से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है। तो ये दो रीज़न होते हैं मेनली कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर आने के लिए। तो अब इसे कैसे चेक करना है अपने मोबाइल फ़ोन से वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे www.youtube.com टाइप करके हमें एंटर कर देना है। मैंने डायरेक्ट नहीं किया, वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। और उसके बाद आपको अपने चैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में मेरे चैनल की प्रोफाइल की आइकन दिखाई दे रहा है आपको, तो मैंने लॉगिन किया हुआ है। आपको भी ये लॉगिन कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो यूआरएल अब मैं डालूंगा वो डालना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है studio.youtube.com और आपको गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो जो नीचे ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके चैनल का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नीचे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने आपके चैनल की सारी सेटिंग्स खुल जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे सेटिंग्स में, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल चैनल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं अब जूम आउट करता हूँ इसे। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। तो आपको जो थर्ड ऑप्शन पे है, थर्ड नंबर पे, उस पर क्लिक करना है फीचर एलिजिबिलिटी वाले पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फीचर्स का जो ये ऑप्शन है वो इनेबल है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसके साथ जो ये एरो है इस पर क्लिक करके इसको ऐसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है चैनल इज़ फ्री ऑफ एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स। तो आपके चैनल पे जब भी कोई स्ट्राइक आएगी तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। अभी इस चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे फ्री दिखा रहा है। ठीक है, जब आपको स्ट्राइक मिलेगी तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको शो हो जाएगा कि आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको चेक करना है सेटिंग के अंदर। ठीक है, ये सबसे आसान और इजी तरीका है अपने चैनल पे किसी भी कॉपीराइट स्ट्राइक को चेक करने का। तो फ्रेंड्स, अब आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने चैनल पे अगर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई है आपके तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।